राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। तो आज हमारा 60 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का 5वां दिन। सुबह जल्दी उठ के हमने पिया 1 लीटर गर्म पानी। पानी पी के हम हुए फ्रेशन अप। फ्रेश होकर हमने खाए 10 बादाम और उसके बाद हमने पी ब्लैक कॉफ़ी। कॉफ़ी पी के हम चल दिए जिम के लिए। आज मॉर्निंग वर्कआउट में हम करेंगे शोल्डर का वर्कआउट। पहले करेंगे वार्म अप 2 मिनट क्रॉस ट्रेनर करके, 2 सेट करेंगे शोल्डर के सबके, जिससे हमारी शोल्डर मसल एक्टिवेट हो। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे सीटेड बारबेल शोल्डर प्रेस, 3 सेट करेंगे 15-15 रेपिटेशन के। फिर हम करेंगे सीटेड शोल्डर डंबल प्रेस, 4 सेट करेंगे 10 से 12। सेट कंप्लीट होने के बाद वेट्स को रीरैक जरूर करें। थर्ड एक्सरसाइज में हम करेंगे केबल अपराइट रोइंग, 3 सेट करेंगे 10 से 12 रेपिटेशन के। फोर्थ एक्सरसाइज हम करेंगे डंबल लेटरल रेज, 7 सेट करेंगे 10 से 12 रेपिटेशन के और हर सेट के बीच में 15 से 20 सेकेंड का रेस्ट होगा। फिफ्थ एक्सरसाइज हम करेंगे सीटेड केबल फ्रंट रेज, 3 सेट करेंगे 12 से 15 रेपिटेशन के। और फिर करेंगे वॉकिंग डंबल फ्रंट रेज कुछ इस तरीके से, 2 सेट करेंगे 10 से 12 रेपिटेशन। और लास्ट में ये वाली एक्सरसाइज करके अपना शोल्डर का वर्कआउट कर देंगे हम खत्म। फिर एब्स में करेंगे हम लाइंग लेग रेसेस 60 रेपिटेशन। फिर हम करेंगे साइड डंबल बैंड के 100 रेपिटेशन, 50 क्रंचेस, 50 लेग्स इन एंड आउट, 50 लास्ट में माउंटेन क्लाइंबर करके अपना मॉर्निंग का वर्कआउट करेंगे खत्म। वर्कआउट फिनिश करके हम चल दिए घर के लिए। आज मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है क्योंकि रात को बारिश हुई थी। और फिर घर आके हमने काटी अपनी ग्रीन वेजीज और 100 ग्राम पनीर। फिर लिए हमने 100 ग्राम ओट्स, ओट्स में आए हम 10 बादाम। फिर अपने पनीर और ग्रीन वेजीज को हमने किया फ्राई। ये रहा आज का ब्रेकफास्ट। ओट्स में हमने किशमिश और 2 स्पून हनी मिक्स किया है। ब्रेकफास्ट करके और शावर लेके हम चल दिए मंदिर के लिए। मंदिर आके सबसे पहले हमने डाला चींटियों के लिए आटा, फिर हमने चढ़ाया शिव जी पे जल। इसी के साथ हमारे 5वें दिन का मॉर्निंग रूटीन हुआ खत्म। बोलो जय श्री राम।